बिस्मिल्लाह रहमान एक जरूरी वीडियो बना रहा हूँ, लोग हमारा हाल जान लें मिडिल क्लास फैमिलीज का जो इस वक्त मरने के करीब पहुंच चुके हैं। मेरे साथ समद भाई मौजूद है, समद फांसिया साहब हमारे बहुत अच्छे डोनर भी हैं, सामाजिक रहनुमा हैं, आतिफ भाई मौजूद है को ब्रोकर एसोसिएशन के, असद भाई मौजूद है। एक छोटा सा पैगाम पहले समझ लें, ये पैगाम जो मैंने आज दिन में एक राय पूछी थी पाकिस्तानियों से, क्या अब हम फ्री में बसें चलाना शुरू कर दें कराची में दो रूट पे, सुराब गोट राशिद बिनास वाला करते हुए लांडी तक, कोरंगी तक, लांडी तक, और दूसरी हम सरजानी से लेकर और टावर तक फ्री में। तो मैंने लोगों से राय मांगी थी, हजारों लोगों ने एक ही राय दी कि यार 10 रुपए रख लेना ताकि हमें भी शर्म ना आए, हम भी सफर करें। हर यही आई आवाज, बिल्कुल यही होना चाहिए, 10 रुपए है ना, सही है ना 10 रुपए। क्योंकि देखिए भाई बात सीधी सीधी है, जो दो बसें रूट बदल के सफर कर रहा है कितना पैसा लग रहा है उसकी, अभी तक मिनिमम 60-70 रुपए एक रूट के, 140 रुपए हो गए, 140 रुपए का मतलब क्या हो गया, यानी 150 एवरेज लगाया तो 10 दिन के कितने हो गए 1500 और 30 दिन के कितने हो गए सर 4500। ये तो बस की सूरत है। अब आप सुन लें असल बात जो मैं आपको बता रहा हूं मिनिस्टरों को, कि अब मोटरसाइकिल मौत क्यों बनती जा रही है। वो बेचारे लोग जो छोटा मोटा काम कर लेते थे, ऑफिस दफ्तर बाइक पे चले जाते थे, आपको पता बाइकों की हालत को क्या है, 1 लीटर में 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल पाती है मुश्किल से बाइक, 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल लग रहा है 700 रुपए का एक दिन में, ऑफिस दफ्तर घर के काम गली मोहल्ले में या बीवी बच्चों को अस्पताल स्कूल कहीं ले गए तो 700 रुपए का एवरेज पेट्रोल लग रहा है एक मोटरसाइकिल में, जिसका मतलब हो गया 21,000 रुपए महीने का पेट्रोल लग रहा है। समझ भाई जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए, 4,000 महीना कैसे गुजारेगा मिनिमम, या लोगों की वेज 25-30 हजार से ज्यादा है नहीं। एक वेटर की क्या तनख्वाह होती है, आप रेस्टोरेंट के मालिकान है 25,000 रुपए ऑर्डर टेकर, चौकीदार की क्या तनख्वाह होती है 25,000, अगर वो टिप शिप कर लेगा 5,000, कोई कंपनी खुली हुई वहां पर जब जॉबें आती है अखबार में तो क्या तनख्वाह लिखी होती है 25-30 हजार रुपए, यही तनख्वाह है। तो सिर्फ इतना सा मैसेज है मेरा हुक्मरानों के लिए कि 4,000 रुपए में वो महीना कैसे गुजारेगा, आप बता दीजिए एक बार। असद भाई मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जफर भाई, ये होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे हाईवे पे जो काफी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, जो लेबर आती है जाती है वो भी बहुत परेशान है, जाहिर बेचारे वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल, एक मोटरसाइकिल पे मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई, आप अपने स्टाफ को बोलते थे 500 रुपए का हो गया एक दिन का ना, एक जगह का ना स्टाफ, तो चलो ये 15,000 हो गया, 15 हो गया, अब 10 में वो जिंदा कैसे रहेगा भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं एलियाने कराची, एलियाने पाकिस्तान को पहली खबर दे दूं, पहली खबर, पहली तकरीबन 16 से 20 बसें देने का ऐलान कर दिया इरफान भाई साहब ने, जीएफएस बिल्डर के ऑनर ने, यह है खबर। पाकिस्तानियों तुम पैदल चल रहे थे, तुम्हारे पास चल कौन दे सकता है दिन का 120-140 रुपए एक साइड का किराया, दो बसें कर रहे तो फिर वापसी में 100, हमने तो वन साइड का किराया लगाया था भाई, ये जो हमने एवरेज 4.5 एक वन साइड, टू साइड 9,000 बस का कहां से देगा कोई, बात ये कि एक छोटी सी बात असल भाई, तो यानी मैं अगर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बस में बैठ रहा हूँ तो मैं बेगम को बोलूंगा कि मैं बस में जा रहा हूँ, तुम और बच्चे पैदल आओ, पैदल आओ, क्या जुल्म है यार जी। हम जो है इसके लिए जफर भाई लाजमी रेंट किराए रखेंगे, भले 10 रुपए पहली बस की, और शुरू की 17 से 20 बसें तकरीबन 16 से 20 बसें समझो उसका पैसा इरफान भाई साहब दे रहे हैं, जीएफएस बिल्डर के ऑनर, हम कोशिश करेंगे एक रूट पर 10 बस, एक रूट पर 7 बस रखें, अगर पूरी दुनिया से और पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया और बसें भर देंगे तो बिल्कुल फ्री होंगी। बस के ऊपर जेडीसी और इरफान भाई साहब का नाम लिखा होगा, हम आपका नाम भी लिख देंगे, पहली बस का हर महीने का खर्चा आप बर्दाश्त करेंगे, जरूर करूंगा। समझ भाई एक बस की जिम्मेदारी आप लेते हैं हर महीने की, बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। कोकोनट ग्रुप के ऑनर है, और एक और इन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेन लेकर आए हैं, हॉटपॉट इंडस्ट्री के नाम से, वो भी दुनिया देखे, हॉटपॉट मिनिस्ट्री के नाम से वो भी दुनिया देखेगी, एक बस की जिम्मेदारी ले ली है इन्होंने हर महीने की, एक बस की इन्होंने, एक बस की आप लेते हैं, डन 100%। यानी ये ऐसा कारोबार, मुझे जफर भाई माजरत आपकी बात करता हूँ, एक ऐसा चीज होगी जिसके अंदर जो है ना वो हम लोगों को बता दें कि हम इसमें लॉस करेंगे, हम कोई लॉस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, आप अपना हिस्सा डाल लो कि भाई तू कोई गलत कदम नहीं उठा, और ये पैसे भी इसलिए रखे भाई, अगर उसके पैसे महीने के 9,000 बच जाएंगे तो उसके बच्चे रोटी खा लेंगे ना, इसलिए बिल्कुल लोगों की मदद हो गया, ताकि कोई ये ना बोले कि यार ऐसी आप फ्री में लोगों को खराब, फ्री नहीं कर रहे, मैंने फ्री में 10,000 रुपए में रोटी और घर का खर्चा भी नहीं निकल सकता, किसी का बाप नहीं निकाल सकता, पूरी दुनिया में एक ऐसा काम होने जा रहा है कि अल्लाह पाक इस काम हो गया, अभी ऐलान किया दिन में 6 बजे शाम में इरफान भाई साहब की कॉल आई, मैंने तो 10 बसों को बोला था, उन्होंने कहा 16 से 20 बसें ले लो मेरी तरफ से, अभी आप भी अपने जानने वालों से दिलवाएंगे बसें, जी बिल्कुल आप भी बसें दिलवाएंगे, और ये एक एक बस की जिम्मेदारियां बिल्कुल, जो लोगों के जफर भाई वो भाई कराची वालों देख लो इस हद तक मामला आ गए कि लोग जो पैदल सफर कर रहे थे, मैं पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ, ये देख लो
ये कोई रमजान पैकेज नहीं है, सारा साल के लिए शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह जेडीसी के सारे प्रोजेक्ट्स फ्री में चल रहे हैं, अभी मुझे आज एक और खबर मिली है, एक साहब आए थे, उनका मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक है, कह रहे हैं तुम जो 1.5 अरब 2 अरब रुपए की मशीन लगा रहे हो जिसमें सारे लैब टेस्ट होंगे, दुनिया की नंबर वन मशीन, तो इसमें कुछ डॉक्टर्स की माफिया ने फैसला किया है कि वो पहले दिन से ही कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे कि हम जेडीसी की लैब के टेस्ट नहीं मानते। तो मैंने बोला हम तमाम डॉक्टरों को मैं अदालतों में बुलाऊंगा, जब एक शख्स पैसे ही नहीं दे सकता तुम्हारे 80,000 रुपए टेस्ट के, तुम फिर इसको मरने के लिए बोलोगे, जब मर जाओ वो टेस्ट नहीं करा सकता। तो भाई सारे टेस्ट फ्री होंगे, और जो नहीं मानेगा, हम दुनिया की सबसे महंगी मशीन लगा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर लेकर आ रहे हैं, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे लोग जिंदा रहे। हम माफिया का मुकाबला इंशाल्लाह कर लेंगे, हमने 6.5 लाख बोलो बड़ा वकील, हम फिर भी रखेंगे इंशाल्लाह। देखो समद भाई ने बोला तो मैं अंदाजा लगा ले, कराची वालों के साथ हमेशा पूरे पाकिस्तान के लिए करेंगे सर, सबके साथ सबके लिए करेंगे। हमारे लोग मर रहे हैं भाई, हमारे लोग महंगाई से मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमने भी एक बयान सुना, कह रहे हैं पेट्रोल का असर तो सिर्फ अमीरों पर पड़ रहा है, यार गरीब मर गया, मोटरसाइकिल भी छोड़ दी, पैदल सफर कर रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत जबरदस्त काम करने जा रहे हैं लोगों के लिए, और दिल रो रहा है, दिल जख्मी है, हमारे लोग इतनी अजियत में, बता नहीं सकता। लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं, जिनके घरों में बंद कर दिया लोगों ने दूध, कह रहे हैं लग्जरी आइटम है। मुजफ्फर भाई कल से कह रहे हैं यार, क्या जुल्म है यार, दूध को लग्जरी आइटम, दो तीन दिन में कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह और कारोबार भी जो है ट्रायलिंग से बंद करो और खोलो। वो भाई मुझे नहीं मालूम कैसे लोग जिंदा रहेंगे, कहां जाएंगे वो लाखों लोग जो रेस्टोरेंट से वापस आए। 3 लाख लोग तकरीबन बेरोजगारी के उस दाने पे खड़े हुए, 2 दिन में अगर फैसला आ गया तो हम क्या हो यार, हमें खुद कुछ नहीं पता, दुआ ही कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। लेकिन कराची वालों, पाकिस्तान वालों की खबर इस प्रोग्राम को ज्यादा शेयर करें, ट्वीट करें, कमेंट्स में बताएं 10 रुपए सही है ना, किसी को शर्म तो नहीं आएगी ना 10 रुपए में। मैं तो बोल रहा था कि भाई जो नहीं दे सकते उसके लिए फ्री करेंगे, समझ भाई लोगों ने बोला नहीं उसूल बनाओ, ताकि उसूल के मुताबिक काम हो। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और जुड़ते चले जाएं, बहुत शुक्रिया।